लेट्स कलर ऑन ओबिटो उचिया। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं ओबिटो उचिया की ड्राइंग पे कलर। तो पिछली वीडियो में हमने इसको ड्रॉ किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अब भी जाके देख लो, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस का भी लिंक है, तो वो भी जरूर से आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट ड्राइंग में किसकी बनाओ उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। तो हम कलर करने से पहले सबसे पहले इस ड्राइंग को आउटलाइन कर लेंगे ब्लैक पेन से, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको आउटलाइन कर लेना है। और मैं यहाँ पे ओनली ऑयल पेस्टल्स का यूज़ करने वाला हूँ और कुछ मार्कर्स का, तो आप देख लीजिए मैं कैसे ड्रा कर रहा हूँ, उसी तरह आपको भी करने वाले हैं करना है। और मैं नॉर्मली कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ जो आपको नॉर्मल शॉप्स में भी मिल जाएंगे। और हमारे आउटलाइन हो चुकी है कंप्लीट, तो अब आपको पूरा ग्रिड एक बार इरेज कर लेना है अगर आपने ग्रिड से बनाई है। तो अगर नहीं बनाई है तो सीधे आप कलर करना शुरू कर सकते हो। तो ग्रिड इरेज करने के बाद मैंने इसको ब्रश से साफ कर लिया और उसके बाद मैं थोड़ा पेज को टाइटली पेस्ट कर दिया था टेबल पे। और अब मैं कर रहा हूँ सबसे पहले शुरुआत हेयर से, और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक मार्कर्स का। तो आप भी यूज़ कर सकते हो ब्लैक मार्कर्स या किसी भी चीज़ का इसको कलर करने के लिए। तो आप वाटर कलर भी इस पर यूज़ कर सकते हो हेयर पे ब्लैक करने के लिए, या स्केच पेन या पेंसिल कलर जैसा आपको सही लगे। और हमने हेयर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मैं स्किन कलर करने वाला था, तो इस मैं ऑयल पेस्टल का यूज़ कर रहा था स्किन कलर करने के लिए फेस पे। तो आप भी ऑयल पेस्टल का यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास स्केच पेन्स हैं स्किन कलर की तो आप उनको भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया कॉटन बर्ड से, और उसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ मार्कर का इसको आउटलाइन देने के लिए, क्योंकि जो कलर है वो उसने ब्लैक पेन की जो आउटलाइन है उसको हाइड कर दिया था। तो मैं इसके बाहर से फिर से एक और बार आउटलाइन करने वाला हूँ। और आउटलाइन करने के बाद और मैंने उसकी एक हाथ पे रेड कलर किया और दूसरे हाथ पे मैंने ब्लू कलर कर दिया। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको भी ड्रॉ करना है। उसके बाद मैं लेफ़्ट साइड के मास्क को कलर करने के लिए चले गया, और मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ येलो कलर इसको करने के लिए, और फिर मैंने ब्लेंड करना शुरू कर दिया। और मैंने इस मास्क को भी ब्लैक मार्कर से आउटलाइन कर दिया, और फिर मैंने थोड़ा और कुछ बचा हुआ था तो उसको भी कलर कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ऑरेंज राइट साइड के मास्क को ड्रॉ करने के लिए, तो कलर करने के लिए। तो आप भी ऑरेंज ही यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद ब्लेंड कर दिया है मैंने ये पूरा कलर, और मैंने फिर ब्लैक मार्कर से इसको आउटलाइन कर दिया। अब मैं उसके नेक पे स्किन कलर कर रहा हूँ। उसको ब्लेंड करने के बाद मैंने फिर क्लोथ्स पे गया और क्लोथ्स की जो रेड लाइन है उसको ड्रॉ किया, और उसके बाद नीली कलर को यूज़ किया मैंने इसके क्लोथ्स ड्रॉ करने के लिए। आप चाहो तो आप वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हो, स्केच पेन भी यूज़ करते हो, जैसे आपको सही लगे। फिर मैंने इस नीली जो क्लोथ्स पे मैंने कलर किया था उसको भी ब्लेंड कर दिया है। और फिर आउटलाइन कर दी मैंने बाहर से थोड़ी डिटेलिंग देने के लिए। और अब जो अपर मास्क है जो आपके हेड पे है उसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया चारकोल पेंसिल से, और जो राइट साइड का मास्क है उसको भी थोड़ा हाइलाइट देने के लिए मैंने ब्लैक का कलर का यूज़ किया है। और कुछ और डिटेलिंग देने के बाद मैं बैकग्राउंड भी ड्रॉ कर दिया। तो आपको ये ड्राइंग कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको ड्राइंग अच्छी लगी तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप नेक्स्ट ड्राइंग किसकी।